चार बजे गाड़ी लूटी हुआ है, रात बजे गए हैं जी, गिर जाएंगे तो फिर लफड़े हो जाएगा। त्रिपाल मारना बहुत रिस्क वाला काम है, नींद में थे। गड्ढा है देखिए, पूरा गड्ढा है, इसमें क्या करना पड़ेगा, जाली मारना पड़ेगा, तभी पानी। डबका भाई त्रिपाल सा मार लिया, एक घंटा लगा मारने में। इसका नाम है उपमा, देखते खाकर कैसा लग रहा है, फर्स्ट बार खा रहा हूँ। अभी आगे भैया टीसी दिए, चल चलते हैं गाड़ी के जाके वजन करते, उसके बाद बहुत सुंदर बनता है, इसको उबाल कर बहुत टेस्टी बनता है। टायर पंचर हो गया हो, पूरा उमनी उखड़ गया है, चलिए इसको उमनी डाल लेंगे। अबे भागो भाग मर जाएगा, भागो भागो अंदर में जंगल में भागो। का जी ठीक बा, का खा रहे है? ए ए मारेगा मारे ए भाई, अरे बाय में गाड़ी है रे। नमस्कार वालों, कैसे आप सभी, आप सभी भाइयों को हमारे ऑफिस से स्वागत है। देखिए टपोर वाला भैया जा रहे हैं हंसते हंसते, ये भी पेपर देंगे। रात के चार बजे गाड़ी लूटी हुआ है, रात बजे गए हैं जी, सिर्फ दो घंटा सोया हूँ, अभी टाइम बच चुका है छः, तो अभी त्रिपाल ऊपर मारे नहीं थे, सोगत लगा के बोल दिया था भैया हमको नींद आ रहा है, गिर जाएंगे तो फिर लफड़े हो जाएगा, तो त्रिपाल मारना बहुत रिस्क वाला काम है, नींद में थे। तो बोले उनको भैया सुपरवाइजर के मैं सो रहा हूँ, सुबह मारेंगे, ठीक है सो जाइए, चले चलते भैया त्रिपाल अच्छा मारते हैं, आधा घंटा में मार देंगे फटाफट करके। यही माल लोड हुआ है समझे, देखिए सामने में है जी, देखिए माल निकला हुआ है, त्रिपाल मेरा फाड़ देगा, देखिए त्रिपाल को सब ना फाड़ ले लेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको बनना पड़ेगा त्रिपाल देखे। चलिए त्रिपाल मैं उधर से ले आया हूँ, त्रिपाल यहाँ बहुत थका हुआ है जी, देखिए इसको ना ऐसे रख कर माल उठ गया है, इसमें गड्ढा हो गया है जी, देखिए बीच में गड्ढा है, देखिए पूरा गड्ढा है, इसमें क्या करना पड़ेगा, जाली मारना पड़ेगा तभी पानी निकलेगा समझे, पीछे में बत्ता लगा दिया हूँ। देखिए वालो आपका भाई जाली मार लिया हूँ, तिलक त्रिपाल मारते हैं, देखिए कितना ही मस्त मारा हूँ, हाँ बेल्ट मार के फिर पट्टा लगा के फिर जाली मारा, क्योंकि बत्ता लगा नहीं। चलिए अब त्रिपाल मारते हैं, गाड़ी के बाहर निकाल देगा, बहुत गर्मी लग रहा है, देखिए चले बाहर निकाल देते हैं, धुआं निकाल देते हैं, हवा लगेगा। अधिक जी आपका भाई त्रिपाल सा मार लिया, एक घंटा लगा मारने में, सात बजे आए थे मारने, आठ बज गया है, देखिए कैसे मारा हूँ, जाली मारकर अच्छा से मार दिया हूँ, क्योंकि बारिश का समय है, लफड़ा मोड़ लेना नहीं है, क्योंकि इसमें पानी हल्का जाएगा लाल लाल हो जाता है। क्या है उपमा? हाँ उपमा उपमा जी, नाश्ता हो रहा है, ये बोले क्या इसका नाम है उपमा, देखते खाकर कैसा लग रहा है, फर्स्ट बार खा रहा हूँ। मीठा मीठा है जी, खाने में मीठ मीठ लग रहा है, अच्छा है। हेलो हेलो, अभी टाइम बच चुका है 11, और देखिए अभी आगे भैया टीसी दिए, चल चलते हैं गाड़ी के जाके वजन करते, उसके बाद बिल्टी मिलेगा। गाड़ी का वजन करके बिल्टी जमा मैं कर दिया हूँ, चलिए अब कुछ खाना बना लेते जी, बैठे बैठे क्या करें। देखिए पपीता सूख रहा है, जो लिए थे ना इसको बनाते हैं सब्जी। इसको कैसे बनाएंगे सब्जी, मटन जैसा लगेगा ये, देखिए इसको ना छील कर मोटा मोटा पीस काट गए, इसको थोड़ा सा पानी में उबाल कर फिर बनाएंगे सब्जी। मेन चीज टमाटर नहीं है जी, चलिए कोई बात नहीं, बगैर टमाटर के बना देंगे, चलिए जी बनाते हैं फटाफट, जैसे चावल को ढाके में नहीं, चलिए इसमें चावल बन रहा है, चलिए इसको फटाफट बनाते हैं, नहीं तो बिल्टी मिल जाएगा, एक बजे तक मेरा चांस है बिल्टी मिल जाएगा। आज इसको उबाल कर बनाते हैं सब्जी, बहुत ही लाजवाब बनता है। एक भैया कमेंट किए थे, भैया इसको उबाल के बनाइए, दो दिन भुजिया भूज दिए थे, कुछ टाइम नहीं था अपने पास, चलिए आज भैया के डिमांड पर बनाते उबाल के इसको। देखिए पर देखते वो खा के मीठा है कि नहीं, बहुत मीठा है।
हलवा अभी टाइम बच चुका है एक, और आपका भाई का बिल्टी भी बन गया है। तभी फोन किया, भैया ये बिल्टी ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, चलिए उससे पहले खाना खा लेते जी, उसके बाद फिर खा नहीं पाएंगे, चलिए खाना खाना खा के जाके बिल्टी ले आते, फिर गाड़ी को कंपनी से बाहर निकालते है, क्योंकि अभी गेट पे अभी जाम लगा हुआ है। वाह क्या खुशबू निकल रहा है जी। हाँ हाँ वाओ बहुत टेस्टी बना है वो पपीता। हाँ बिल्टी मिल गया, चलिए चलते हैं अब गेट से बाहर निकालते हैं, चलते हैं गेट पे इसको एंट्री करवाते हैं, गाड़ी के लेकर चलते हैं, गाड़ी का भी लाइन लगल है। चले जी सफर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, अभी निकल चुका हूँ कंपनी से बाहर, चलते हैं अब एक बार चलेंगे यहाँ से संबलपुर बड़गर, देखिए बड़गर वाला एक्टिव खड़ा है कि नहीं, खड़ा भी होगा तो उनको ध्यान से बस यहाँ छुड़वा लेंगे, एक बार छुड़वाया हूँ बोलेंगे पैसा नहीं है। धूप लग रहा है तो यहाँ पर ना रेडियम लगाना है, रेडियम मिलेगा वहाँ रेडियम लगा लेंगे आँख में, सोहिला बजाय में ना जी एटीएम से पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि आगे बॉर्डर है छत्तीसगढ़, मैकेनिकल कटवाना पड़ेगा। ये कितना भीड़ है बैंक में जी, पूजा चल रहा है ना, चलिए एटीएम में चलते हैं। चलिए जी निकाल लिया हूँ पैसा, पैसा यहाँ पर रहता है, जब भी आते ना यहाँ पैसा यहाँ निकल जाता है मेरा, चलिए चलते है। टायर पंचर हो गया है, चलिए देखते हैं इसका क्या मामला है। गरम है ना, देखिए जी उमनी उखड़ गया है, भाई के पास उमनी नहीं है, देखिए पूरा उमनी उखड़ गया है, चलिए इसको उमनी डाल लेंगे। यहाँ पर टायर बना नहीं बोलते हैं, मेरे पास ना बैलेंस में उमनी है, बड़ा उमनी नहीं है, 56 नंबर उमनी लगा है उसमें, ये तो चलेगा नहीं, उठ फूट जाएगा समझे। चलो चलते है जी, सब मेहनत बर्बाद हो गया। एम्बुलेंस रस्ते पे लगा दे ले बा, देखिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ है, देखते सब मैकेनिकल करने का लाइन लगा हुआ है। 40 मिनट लग गया बॉर्डर में मैकेनिकल, बड़ा जाम कर रहता है जी, अभी और 5-6 दिन जाम चलेगा। अबे भागो भाग मर जाएगा, भागो भागो अंदर में जंगल में भागो, देखिए जी अब देखिए बाहर में निकल रहा था, भाग गया, अभी गाड़ी को आया ना तो थमक से भाग गया, देखिए निकल रहा था। दुकान है पूछते हैं टायर वाला कहाँ है, टायर वाला कहाँ है, हो उमनी है 56 नंबर, कौन सा 52 है, दाम कितना उसका 52 का, आप लगाओगे लेके लगाएगा लगाएगा, ये गाड़ी सामने लगाए 1200।
52 नंबर है। फूल नहीं आएगा ना, फूल नहीं आएगा। फूल आएगा बस वो जो बीट में छूटेगा, बीट में छूटेगा। भैया जी लगे हुए अपना उसको निकालने में, देखते मशीन से रखे छिलने के लिए। पूरा हार चिपका, अभी भी चिपका हुआ है हार। हो गया 33 का डाला था। 33 का कितना छोटा हुआ, 2 इंची इधर। इसे मत हाथ से खुल जाए करिएगा, दो में ना हाथ से खुल जाएगा ना। हेलो हेलो, अभी टाइम बच चुका है 9 और भाई का बगाड़ी का टायर बन गया है। 3 घंटा लग गया ना, 6 बजे आए थे ना, लाइट भाग गया था बीच में ना, और उन्होंने लगाने में टाइम लगा भैया जी। अच्छा मिस्त्री है क्या जी, इधर का है, लोकल ही है क्या भैया। चलिए चलते जी, पैसा नुआ देकर हाथ पर धो के चलते है। आगे में भैया है, यहाँ से 10 मिनट आगे भैया जी रुके हुए है, बोलता भैया आइएगा तो मिलिएगा, वीडियो देखते है, चलिए उनसे मिलते है। चलिए फटाफट, कौन जगह है हो, नींद आ रहा है हमको। बसना के पीछे में भैया लोग यहाँ बेगना से बात कर रहे थे। भैया जी है का जी, ठीक बा, एक नंबर का खा रहे है, ठेकुआ खा रहे है। नहीं इनका किस्मत में दुगो बच्चा हुआ था, का हो दुगो ही बच्चा, एक और बच्चा है जी वो आपके लिए है। मेरे लिए ना लास्ट में। और सब बताइए ठीक बा, एक नंबर भैया। इधर से आपको वेलकम है, वेलकम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश प्रधान। राकेश प्रधान, चलिए अच्छा लगा। आइएगा अगली बार चिकन पार्टी करेंगे हम लोग। चिकन पार्टी यहीं पे आप बनाइएगा, आप बनाइएगा, हम खाइएगा, आप खाएंगे ना। चलिए जी चलते हैं, भैया लोग से मिलकर अच्छा लगा। चलिए जी चलते हैं, ठीक बा। बाय में गाड़ी है रे, नींद आ रहा जी, है मारे गए, पूरा नींद में है जी, देखिए पूरा नींद में चल रहा है जी ने, हमारी गाड़ी है दे, जा कहाँ रहा है भाई, पूरा नींद में जी, देखिए ड्राइवर है, अरे मुआ धो लो, पूरा नींद में चल रहा है भाई, अब टेक कर दे, हमको भी कहीं मार देगा यार, मुआ धो लो। हेलो हेलो, आपका भाई आ चुका है आरंग के, यहाँ से आरंग है 20-30 मिनट होगा। नींद आ रहा बहुत कस के जी, क्योंकि ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, नींद आ रहा भयंकर, क्योंकि तो रात को ना सोए नहीं थे, सिर्फ 2 घंटा सोए थे, तो अभी नींद आ रहा है तो क्या करे, सो जाते हैं। गाड़ी चलाना सही बात नहीं सोचे, रैपो पाकर के सोएंगे, बाकी क्या कीजिएगा, आज टायर में मुझे 4 घंटा लग गया, 3 घंटा यहाँ, 1 घंटा हुआ, 4 घंटा अभी आपका भाई रैपोपुर में पाकड़ गए, अभी तक सोए रहते। चलिए क्या कीजिएगा, चलो चलते हैं सोने, अब करते हैं ब्लॉग के एंड, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, और भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और भाई को बस प्यार बना रखिए, लगे लो, गुड नाइट, जय हिंद।